वेलकम टू एस एजुकेशनल वर्ल्ड अर्षा सर के साथ। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस डॉस के अंदर व्हाट इज कमांड के बारे में, उसके बाद यूजेज ऑफ कीबोर्ड सिंबल इन एमएस डॉस के अंदर कौन कौन से कीबोर्ड का सिंबल यूज होता है इस वीडियो में आज मैं दिखाऊंगा सिंबल को मैं दिखाऊंगा। उसके बाद मैं कुछ कमांड के बारे में बताऊँगा डॉस को स्टार्ट करें, डॉस का डेफिनेशन, कमांड का कौन 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 डेट टाइम सेलेस एग्जिट कॉपी कौन कॉपी टाइप कमांड, इस सब का डेफिनेशन के साथ मैं इसको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि ये सारा कमांड आपको क्लियर अच्छे से हो जाए। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने यहाँ पे सी कमांड के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमांड, एक कमांड किसको कहते हैं, एक कमांड इज द प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज द यूज टू कंप्लीट ए कॉमन टास्क। कमांड क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कमांड के थ्रू कोई भी टास्क देते हैं वो हमें करके दिखाता है, इसे क्या बोलते हैं कमांड बोलते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ कमांड, कमांड कितने होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल कमांड होता है दूसरा एक्सटर्नल कमांड होता है। पिछले वीडियो में मेरा तब मैंने बताया था कि इंटरनल एक्सटर्नल CUI या GUI कैसे काम करता है, ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया था। अब यहाँ पे इंटरनल कमांड कैसे काम करता है, तो डॉस कमांड विच आर ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज एट द बूटिंग टाइम। कुछ कमांड जो होते हैं ऑटोमेटिकली लोडेड हो जाता है जब कंप्यूटर को हम लोग बूट करवाते हैं यानी ओपन करते हैं तब, जैसे डेट टाइम CLS ये कमांड का नाम है आपका, ये ऑटोमेटिकली लोडेड होता है। और भी बहुत सारे कमांड होते हैं जो ऑटोमेटिकली लोडेड होता है, ठीक है। इसके बाद एक्सटर्नल कमांड किसे कहते हैं, दोस कमांड विच आर नॉट ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एट द बूटिंग टाइम। कुछ कमांड होते हैं जो लोड नहीं होते हैं बूट करने के टाइम, उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है बाय डिस्क के द्वारा, यानी डिस्क के द्वारा इंस्टॉल करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटर्नल कमांड बोलते हैं। जैसे एडिट कमांड हो गया, एक्स कॉपी हो गया, बैच फाइल हो गया, ये सब कमांड क्या हो गया और अलग से इंस्टॉल किया जाता है, उसको बूटिंग टाइम इंस्टॉल नहीं होता वो अलग से इंस्टॉल होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया, यहाँ पे मैंने बता दिया कमांड किसे कहते हैं, और दे आर टू टाइप्स ऑफ कमांड होता है, इंटरनल एक्सटर्नल किसको कहते हैं, इंटरनल कौन से कमांड होते हैं और एक्सटर्नल में कौन से कमांड होते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ मैं आपको सिंबल ऑफ कीबोर्ड। सिंबल ऑफ कीबोर्ड में सबसे पहले देखिए यहाँ बैक स्लैश होता है। डॉस में सिंबल ऑफ कीबोर्ड का बहुत अच्छा रोल है दोस्तों, बहुत काम का चीज़ होता है यहाँ पे सिंबल ऑफ कीबोर्ड का। यहाँ पे सिंबल ऑफ कीबोर्ड का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे कमांड का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे बैक स्लैश का सिंबल क्या है आपका, इस तरह से रहेगा, ये वाला देख रहे हैं। फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल कौन सा है, ये वाला आपका है। इंटर का जस्ट इसका इस तरह सिंबल होता है, और सेमी कोलन का इस तरह से आपका सिंबल होता है। कोलन का सिंबल क्या होता है, डॉट डबल डॉटेड होता है इसको। और यहाँ पे स्पेस का सिंबल बी पे लम होता है, यानी कि बी पे इस तरह से दिया हुआ रहेगा, उसको मतलब समझ जाइएगा कि स्पेस का सिंबल है, ठीक है। सी फ्रंट आपका ये पूरा एरिया आपका क्या कहलाता है, सी फ्रंट कहलाता है। उसके बाद सीरी डॉट, एक डायरेक्टरी से अगर बाहर निकलना है तो वन डायरेक्टरी एग्जिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीरी डॉट डॉट करते हैं। एक सीडी बैक स्लैश भी होता है, वो वर्ल्ड डायरेक्टरी से निकलने के लिए होता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंबल ऑफ कीबोर्ड इज इन एमएस डॉस, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा सिंबल ऑफ कीबोर्ड हम लोग कैसे करते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, तो लेट्स गो। इसके बाद आए यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे कमांड एक्सप्लेन। कमांड एक्सप्लेन का मतलब है डेट, सबसे पहले कौन सा कमांड है, डेट। दिस कमांड यूज टू शो द करंट डेट, करंट सिस्टम डेट। सिस्टम डेट आपका जस्ट यहाँ पे होता है, देखे होंगे, एंड इट आस्क्स द न्यू डेट। हम लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे डेट लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा, करंट डेट यहाँ पे आपका दिखा देगा जो भी आपका सिस्टम में सेट होगा। उसके बाद हम चाहें तो न्यू डेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है, यहाँ पे मैं करके करके दिखाऊंगा, डेफिनेशन भी बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एमएस डॉस स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने का प्रोसेस वही है, CMD यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके कहाँ खोलना है इसको, एडमिनिस्ट्रेटर में खोलना है। एडमिनिस्ट्रेटर में इसलिए खोलते हैं ताकि कोई कमांड ऐसा ना हो कि जो रन नहीं करे। ये सारा कमांड रन कराने के लिए हम लोग कहाँ खोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर में खोलते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ खोल लीजिएगा इस तरह से, जस्ट कर देना है यहाँ पे, ये आपका कमांड और मतलब एमएस डॉस ओपन हो गया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर्टीज का फॉन्ट कैसे बड़ा करते हैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ से जाएंगे यहाँ पर फॉन्ट का साइज यहाँ पर मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख सके यहाँ पर कमांड कैसे यूज़ कर रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले यहाँ पे
डेट लिखी है, एंटर कीजिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे डेट लिखूँगा DAT, डेट लिख कर इंटर जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से हमारा फॉर्मेट आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है। देख रहे हैं इस तरह से फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ मंथ देना है, डेट देना है, उसके बाद ईयर देना है इस तरह से। तो पहले मंथ कौन सा है यहाँ पे, मान लिया कि हमको 1/1/2023 देखना है, तो 01 करेंगे यहाँ पे, डैश देंगे दोस्तों यहाँ पे 01/2023। जैसे इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारा वो ले लेगा। तो इस तरह से मैंने डाल दिया देखने के लिए। फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, डेट। यहाँ क्लिक करके मैं डेट लिख रहा हूँ, DAT, डेट। जैसे लिखेंगे हमारा यहाँ पे, इस तरह से हमारा यहाँ फॉर्मेट हो गया। कौन सा डे पड़ रहा हमारा, संडे, 1/1/2023 कौन सा डे पड़ रहा, संडे। देखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 10/1/2023 दिखा रहा है, यहाँ पे कौन सा डे है, संडे। इस तरह से हम लोग किसी भी डेट को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हटाना चाहते हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से यहाँ पे बार बार पूछता रहेगा, इसको इंटर कर देंगे। फिर से मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपको, इस तरह से डेट लिखेंगे फिर से यहाँ पे। पहले मैं इसको नेट एंड क्लीन कर दूँ CLS से, फिर से यहाँ दिखाता हूँ, DAT, डेट लिखा, इंटर की प्रेस करना है। जैसे इंटर की प्रेस करेंगे करंट सिस्टम में जो डेट रहेगा वो दिखा देगा। और यहाँ पे हमको क्या करना है, न्यू डेट डालना है। न्यू डेट डालने के लिए यहाँ पे डेट लिखना पड़ता है, किस भाषा में लिखेंगे यहाँ पे, मान डेट ईयर, यानी कि आपको 1/1/2025 लिखना है, 1/1/2025 का लिखना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे हमारा क्या होगा, 2025 का ले लिया है मैंने दिया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डेट इंटर करेंगे यहाँ पे हमारा ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। वेनेसडे डेट पड़ता है, वेनेसडे डेट आपके यहाँ वही सेट हो गया। यहाँ पे जो चाहे आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे डेट चेंज करना चाहते हैं आसानी से। अगर हटाना चाहते हैं फिर यहाँ से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर CLS कर लेंगे, ये मिट गया है। उसके बाद कौन सा कमांड है आपका, टाइम कमांड है। टाइम कमांड क्या करता है, यहाँ पे बोलता है दिस कमांड यूज टू द शो द करंट सिस्टम टाइम एंड ऑफ द न्यू टाइम। हम लोग जब भी सिस्टम का डेट चेंज करना चाहते हैं या टाइम चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो करंट टाइम आ जाएगा। अगर आप चाहें तो नया टाइम सेट कर सकते हैं, तो इंटर द न्यू टाइम कैसे सेट करते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। इस पर जाएंगे, यहाँ पर क्या लिखना है, टाइम। जैसे इंटर प्रेस करेंगे हमारा टाइम आ जाएगा इस तरह से, 17:00। हम चाहते हैं कि यहाँ 18:00 आना चाहते हैं, तो 18:00 यहाँ पर सिट दो एक लॉन प्रेस करेंगे यहाँ पे, और मान लिया कि 12 मिनट करना है, इंटर प्रेस करेंगे, यह हमारा टाइम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, 18 का मतलब हो गया 6:12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर टाइम देखना चाहते हैं कि हमारा सेट यहाँ पे हुआ कि नहीं, यहाँ पे फिर टाइम प्रेस करेंगे। जैसे कि हमारा इस तरह से मैंने यहाँ पे पूछा तो यहाँ पे आ गया ऑलरेडी बना हुआ। अब मैंने यहाँ पे दिया तो यहाँ पर भी क्या होगा, जनरेट होगा। फिर से मैं नया नया टाइम देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ, मान लिया कि 7:00 हमको कुछ देना है, 7:12 देना है, ये 7:12, फिर से टाइम लिखना पड़ेगा हमको, इस तरह से इंटरफेस करेंगे। ये हमारा टाइम इस तरह से आ जाएगा, समझ में आ चुका होगा कि टाइम लिखने के बाद इस तरह से हम लोग टाइम को सेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे निकलना बाहर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से इंटरफेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक और कमांड होता है आपका, कौन सा कमांड है यहाँ पे, यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सा कमांड है। दिस कमांड यूज टू द क्लियर द स्क्रीन, CLS कमांड है। CLS कमांड होता है क्लियर द स्क्रीन होता है। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि DOS में कमांड में कौन ऐसा कमांड है जो क्लियर करने के लिए यूज़ होता है, तो ये CLS होता है। दिस कमांड यूज टू क्लियर द स्क्रीन, ये स्क्रीन को साफ करने के लिए होता है। तो फिर से यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से DOS को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे CLS करेंगे, जो आपका लिखा हुआ ये सब दिख रहा है इसको मिटाने के लिए बैक स्पेस नहीं करते हैं, यहाँ पे CLS लिख के इंटरफेस करेंगे। जैसे इंटरफेस करेंगे हमारा यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा, इस तरह से हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा कमांड है आपका, एग्जिट कमांड है। इसको मैं बताता हूँ डेफिनेशन क्या होता है इसका। दिस कमांड यूज टू द एग्जिट फ्रॉम MS-DOS। DOS को अगर बंद करना चाहते हैं तो हम लोग दो तरीके से बंद कर सकते हैं, या तो हम लोग क्रॉस के सिंबल को क्लिक करके डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। अगर कोई कमांड के थ्रू बंद करना है तो क्या लिखेंगे, एग्जिट इंटर। मैं दिखा देता हूँ इसको यहाँ पे कैसे करते हैं, इसको DOS को बंद करना है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सिंबल यहाँ से, नहीं तो हम दूसरा क्या करते हैं, एग्जिट कमांड लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे एग्जिट लिखने के बाद क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, इंटर की। जैसे प्रेस किया यहाँ हमारा DOS बंद हो गया। तो इस तरह से ये समझ में आ गया होगा, डेट टाइम सीरियस एंड एग्जिट। उसके बाद आगे चलते हैं कॉपी कमांड। कॉपी कमांड क्या करता है, दिस कमांड यूज टू द मेक एक फाइल, वो किसी को फाइल को बनाने के लिए DOS मोड में इसको क्या यूज़ करना पड़ता है, कॉपी कमांड करना पड़ता है।
तो दिस कमांड यूज टू ब्रेक द पेन। बनाना कैसे है, कॉपी लिखेंगे, स्पेस लिखेंगे, कौन लिखेंगे, उसके बाद स्पेस के बाद किसी भी फाइल का नाम दे सकते हैं, चाहे वो इंसान का नाम हो या कोई बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड या किसी का भी नाम हो, यहाँ पर डाल सकते हैं जिससे भी आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाला कॉपी स्पेस कौन स्पेस रवि का नाम डाला, इंटर जैसे प्रेस करेंगे यार रवि क्या है, रवि के लिए क्या मैसेज डाला मैंने, हैव ए नेक्स्ट डे। इसको सेव करने का दो तरीका है दोस्तों, यहाँ पर सेव करने का F6 और कंट्रोल प्लस जेड किया जाता है। सेव करने का कितना तरीका है, दो, कंट्रोल जेड या तो F6 कर सकते हैं। अब मैं करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये। अब डॉस को ओपन करता हूँ, फिर से यहाँ पर CMD लिखता हूँ, यहाँ पर ओपन, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे यहाँ पर करूँगा यहाँ पर यस करने के बाद ये आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं काम करना चाह रहा हूँ क्या सी कॉपी कौन का, COPY कॉपी स्पेस कौन, क्या था वहाँ पर नाम, रवि, रवि लिखना, इंटरफेस कर देना, तो उसमें मैसेज क्या लिखना है, हैव ए नाइस डे। इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी स्पेस कौन स्पेस उसके बाद मैंने रवि देखा, जैसे इंटरफेस किया यहाँ पे मैंने मैसेज लिखने का काम किया, लिख रहे इस तरह से यहाँ पर मैसेज लिख दिया। अब इसको प्रेस करना कंट्रोल जेड, कंट्रोल नहीं कर, कंट्रोल जेड करके मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ कंट्रोल जेड, जैसे इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे क्या होगा, वन फाइल हमारा कॉपी लिख देगा। इस तरह से हम यहाँ पर आसानी से सेव कर सकते हैं, देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से सेव कर सकते हैं आप यहाँ पर कॉपी स्पेस कौन स्पेस रवि, जितना चाहे फाइल बना सकते हैं, लेकिन कमांड कौन सा यूज़ करना होगा हमारा, कॉपी कौन, कॉपी कौन का कमांड यूज़ करके हम कोई फाइल बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट कमांड आपका क्या है, टैब कमांड, दिस कमांड यूज टू सी द चेक द सेव फाइल, किसी भी फाइल को देखने के लिए, इसके कंटेंट को देखने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, तो टैब कमांड का यूज़ करते हैं। दिस कमांड यूज टू सी एंड चेक द सेव फाइल, सेव किया हुआ फाइल को हम लोग, जो हमने सभी का फाइल सेव किया उसको देखने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, टैब करेंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर टैब कमांड का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे करेंगे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, टैब स्पेस फाइल का नाम देना है, यहाँ पर इस तरह से मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पर डॉस ओपन हुआ है। अब मान लिया कि यहाँ टैब स्पेस लिखा है यहाँ पे, उसके बाद क्या नाम था, रवि, जैसे यहाँ पे RAVI करेंगे रवि, तो इंटर जैसे प्रेस करेंगे हमारा वो क्या होगा, फाइल को दिखा देगा इस तरह से, देख रहे हैं यहाँ पे हैव अ नाइस डे मैंने यहाँ पे लिखा था, लेकिन अब यहाँ पे टैब कमांड से देख सकते हैं। कॉपी कमांड क्या करता है दोस्तों, जैसे मान लिया मैंने कॉपी कमांड मल्टीपल बनाने के लिए यूज़ करता है, जैसे यहाँ पे कॉपी स्पेस कौन स्पेस रवि है, एक फाइल बनाने के लिए हो गया, इसी चीज़ को हम चाहते हैं दूसरा नाम से कॉपी करना, तो क्या करेंगे यहाँ पे COPY कॉपी लिखेंगे, बोलता है ओल्ड फाइल नेम, ओल्ड फाइल नेम लेने का मतलब क्या हो गया, पुराना फाइल का नाम दीजिए, जैसे यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा सूरज, यहाँ पहले से नाम देना है कोई, कैसे नाम देंगे यहाँ पे, कॉपी कमांड का यूज़ करके मैं दिखा देता हूँ आपको, कॉपी स्पेस रवि, ये बोलता है नया नाम रवि राज, मैं नया नाम क्या दे रहा हूँ, रवि राज इस तरह से मैं दे दिया। जैसे इंटरफेस करूँगा ये हमारा फाइल रवि का फाइल किसमें हो गया, रवि राज में कॉपी हो गया, जब भी मैं टैप स्पेस रवि राज लिखूँगा वो हमारा दिखा देगा इस तरह से, जो रवि मैंने मैसेज लिखा था वो यहाँ पे नेक्स्ट है वो कहाँ आ गया, रवि राज के अंदर आ गया इस तरह से, ठीक है दोस्तों। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि आपका कमांड यहाँ पे जितना मैंने कमांड यहाँ बताया था, ठीक है दोस्तों, इस कमांड को डेट टाइम सीलेस एग्जिट कॉपी कौन और कॉपी टाइप कमांड को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ये पार्ट टू का वीडियो है, इसके बाद पार्ट थ्री पार्ट टू पार्ट फोर पार्ट फाइव ये सब वीडियो में डालता रहूँगा, आप इसे पार्ट बाय पार्ट इसको देखते जाइएगा ताकि पूरा स्टेप बाय स्टेप कमांड आपका क्लियर होता चला जाए, ठीक है दोस्तों। इसी तरह वीडियो देखने के लिए एस एजुकेशनल वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और आप दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसे नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे आप अपडेट हो जाए, ठीक है दोस्तों। डेट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।